हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे जो हमने 3 लेक्चर्स में पढ़ रखे उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके डील करते हैं। तो कमेंट तैयार करिएगा, आप पेन और पेपर ले लीजिए, नोट करते रहिए चीज़ें जो है आपको सॉल्व करना है और तुरंत कमेंट कर देना है। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में ही आपके पिका कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेटिस्फाई द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स टाइप में। तो ऐसा कौन कौन से कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि ऐसे जो है अर्थमेटिक मीन में था, ऐसे जो है मीडियन में था, ऐसे ही मोड में था। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, तो सीधे सीधे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल ठीक है। अगर इसी में और पूछ ले कि 50% सेंट्रल वैल्यू की तरफ कौन टेंड करता है, 50% सेंट्रल वैल्यू, एक क्वेश्चन और तैयार कर लीजिए इसी के साथ, 50% सेंट्रल वैल्यू को कौन टेंड करता है, तो टेंड करता है मीडियन। ओके, फिर देखिए दूसरे में क्या है, व्हाट इज जियोमेट्रिकल मीन ऑफ 824 और 40 का जियोमेट्रिकल मीन क्या होगा। डेटा जो है कैसा है, अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा के लिए आपको क्या बताया गया है, जल्दी से लगा दीजिए, बताइए कितना आ रहा है। जी इक्वल टू क्या लगाते हैं आप, x1 x2 x3 होल पावर, जितने कैलकुलेशन रहे उस पे वो पावर 1/n। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 × 24 × 40 और उस पर पावर कितना कर देंगे, 3 times 3 डेटा है तो 1/3। ठीक, कैलकुलेट कर दीजिए, 8 को आप क्या लिखोगे, 2 पे पावर 3, 24 को आप क्या लिखोगे, 24 पे क्या लिखोगे, 24 को आप लिखोगे 4 × 6 मतलब 8 × 3 तो 2 पे पावर 3 × 3। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, जो छोटी क्लासेज में हमने पढ़ रखा है, 8 × 3 = 24 इस तरीके से। फिर 40 को आप क्या लिखोगे, 40 के लिए आप लिखोगे कितना, 40 है तो 10 × 4 होता है, 10 को आप लिख दोगे कुल मिला के 5 × 8 तो 2 to the power 3 × 5। ओके, देखिए जरा पावर 1/3 निकलने लायक कौन कौन है, इधर से एक 2 बाहर आ सकता है, 2 पावर 3 पावर 1/3 तो 2 तीन बार निकल सकता है, तो हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 मीन्स 8 और 15 नहीं निकल पाएगा, क्यूब रूट ऑफ 15। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद अगर इसी में पूछ लेता कि हार्मोनिक मीन कितना होगा, दो दो क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं एक की हेल्प से, हार्मोनिक मीन कितना होगा, तो हार्मोनिक मीन जल्दी से कमेंट कीजिए कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, हार्मोनिक मीन यच आप कितना बोलते हो, जितनी वैल्यूज रहे, 3 वैल्यूज हैं तो 3/ सारे डेटा का 1/ कर लेते हैं, तो 1/8 + 1/24 + 1/40 कैलकुलेशन कर दीजिए और जो आए कमेंट कर दीजिए आप नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो रोक दिए, कमेंट कर लीजिए उसको जो है पहले सॉल्व कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, जियोमेट्रिकल मीन एक्स का 10 है, जियोमेट्रिकल मीन वाई का 15 है, तो जियोमेट्रिकल मीन एक्स वाई का कितना होगा। आपको मैंने बताया कि जैसे हो गया मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स वाई, और अगर आपको इसका निकालना है जेड का, तो कितना लिखते हो, जियोमेट्रिकल मीन ऑफ एक्स इंटू जियोमेट्रिकल मीन ऑफ वाई, मतलब 10 × 15 ना, 10 × 15 आप करोगे तो सीधा सीधा मिल जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, अगर यहीं पे होता है एक्स अपॉन वाई, तो आप करते जियोमेट्रिकल मीन ऑफ एक्स अपॉन जियोमेट्रिकल मीन ऑफ वाई और वो वैल्यू हो जाती। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्या कह रहा है, व्हाट इज हार्मोनिक मीन ऑफ 1/2 1/3 1/4 1/n। कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, काउंट करिए 1 से लेकर कहां तक है, n तक, डिनोमिनेटर से देख लीजिए 1 से लेकर n तक की वैल्यूज हैं, 1 से लेकर n तक की वैल्यूज का मतलब कितने कैलकुलेशन हो गए आपके पास, कितने डेटा हो गए, n टाइप के डेटा हो गए। अगर n टाइप के डेटा हो गए तो इसका हार्मोनिक मीन अगर आपको निकालना है तो क्या करते हो, जितने नंबर ऑब्जर्वेशन होते हैं अपॉन करते हो, सारे डेटा का 1/ करके सिग्मा कर देते हो, सिग्मा 1/ करोगे तो मतलब 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, 1/1/2 करोगे तो 2 + 3 + …/n। n नेचुरल नंबर्स का सम है,
एन नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, एन एन प्लस वन बाई टू। अब ये टू जाएगा एकदम ऊपर, टू जाएगा एकदम ऊपर, और एन से एन कैंसिल आउट, टू अपॉन एन प्लस वन। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन लगा दें, ऑप्शन ए एन है, बी टू एन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ए से लेकर बी तक 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रहा है, और बी से लेकर ए तक 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रहा है, तो आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। अब आप करोगे क्या, दोनों स्पीड का सम करके टू से अपान कर दोगे, तुरंत वहीं हो गई गलती। ठीक, वहीं आपका सवाल तुरंत गलत हो गया, 700 प्लस 500 आप करोगे 1200, अपॉन टू करोगे आ जाएगा जो है आपके पास 600। ऑप्शन में भी पड़ा रहेगा, तुरंत आप लगा दोगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो कैसा है सर, तो ऐसा है कि आप करते क्या हो, पहले निकालो कि ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस हो गया ना, ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए डिस्टेंस डी वन है, डी है, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस अगर डी है, ठीक है, डी है, तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हो गया टी वन बोल दीजिए, टी वन कितना हो जाएगा, टी वन इक्वल टू, टी वन इक्वल टू बताइए जल्दी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी डी है और स्पीड है 500 डी अपॉन 500 आवर्स। ऐसे ही बी से लेकर ए तक की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी से लेकर ए तक की डिस्टेंस भी हो जाएगी डी, तो यहाँ पे टाइम जो है टी टू लगेगा। मान लीजिए टी टू कितना आ रहा है, टी अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अब की बार है 700 आवर। ओके, जब आप निकालते हो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको लगाइए, टोटल डिस्टेंस आपकी डी प्लस डी, टू डी डिस्टेंस उसने कवर किया, और टाइम कितना लगा, पहले वाले में डी अपॉन 500 प्लस दूसरे वाले में कवर करने में बी से ए आने में डी अपॉन 700। इसको सॉल्व कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 2d अपॉन ये 700d प्लस 500d, 1200d अपॉन 700 इंटू 500, 75 जा 35 के आगे फिर 40 लगा देंगे आप, ऊपर भेज दीजिए, d से d कैंसिल आउट, और ये हो गया 2 इंटू 35 के आगे 40 अपॉन 12 के आगे 20 काट दीजिए, और 3500 आ जाएगा आपके पास 7000 अपॉन 12 से 7000 को डिवाइड कर दीजिए, 12 से 7000 को डिवाइड करेंगे आपको कितना मिल रहा है, जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट है। हाँ, कैलकुलेट कीजिए कितना, ऑप्शन बी आपको मिला 583.33। 7000 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 583.33 इतना किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपके एमसीक्यू बनते हैं। हम कुछ और सवालों को लेते हैं, उनसे डील करते हैं, धीरे धीरे और सीखते हैं ना इसमें, तो इस टॉपिक पे पूरा एकदम पकड़ बनाते हैं, क्वेश्चंस आपके यहाँ से जितने भी उठे कोई भी इधर उधर ना जाने पाए, सारी चीजें आपसे ताकि होते रहे, सॉल्व होती रहे। ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, तो वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब आपको एक रिलेशन बताया है मैंने क्या, कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन होता है, उसके उससे छोटा जियोमेट्रिक मीन, उससे छोटा हार्मोनिक मीन। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हार्मोनिक मीन भी तो इसी के इक्वल ही आएगा ना, जब इक्वालिटी लगती है तो तीनों में इक्वालिटी लगेगी, मतलब सारी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे क्या, 15। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो ग्रुप के हैं, जिसमें पहले वाले में 30 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे वाले में 20 ऑब्जर्वेशन है, और 50 और 60 उनके अर्थमेटिक मीन है, तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो आपके लिए मैंने बताया हुआ है कि एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू, है ना, एन वन प्लस एन टू, ये चीज आपने पता की है, एन वन एक्स वन बार। अब देखिए पहले में एन क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स वन बार क्या बताता है, उसका जो है अर्थमेटिक मीन कितना है,
निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। N1 की वैल्यू है 30 और X1 बार की वैल्यू 50, तो 30 × 50 प्लस N2 की वैल्यू 20 और X2 बार की वैल्यू 60 अपॉन 20 प्लस 60 30। कैलकुलेशन कीजिए जल्दी इसके साथ, क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 30 प्लस 20 या 20 प्लस 30 एक ही बात है, लिख दे रहे हैं 30 प्लस 20, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या आ रहा है भैया, 50 × 30 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1500, शाबाश। प्लस 60 × 20 करोगे तो 6 × 2 = 12 और 2 0 आ गए 100, फिर 30 + 20 = 50 1200 50, ये 1200 + 1500 तो 2700 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 2 इधर आया 25 × 4 = 20, 54, क्या कोई है ऑप्शन में 54, बिल्कुल है सर, तो ये हो गया ऑप्शन सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, वेरिएबल्स यू और वी कनेक्ट हैं किस रिलेशन के साथ, 2u + v + 7 = 0, आपको अर्थमेटिक मीन यू का बताया गया है और वी का पता करना है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट देंगे, तो यहां से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इधर आएगा प्लस 7 इधर आएगा माइनस 7, 2u इधर आएगा माइनस 2u, ओके। तो v का अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन को आप डिनोट करते हो किससे, am, सपोज m लिख दिया मैंने, मीन इक्वल टू माइनस 7 माइनस 2 यू मीन, ना जब आप मीन निकालने लगोगे तो माइनस 7 माइनस 2 और अर्थमेटिक मीन u का दिया गया है 10 − 2 × 10, तो −20 − 7 − 27, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका, जैसे पूरा पूरा आपको मैंने जो डिटेल बताया था उस डिटेल से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़े लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है और उसके बाद जो है करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, इस तरीके के भी MCQ बनते हैं, लंबे MCQ भी बनते हैं जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको टेबल बनाना ही बनाना है। तो देखिए ट्रिक, देखिए टेबल बना कर कैसे बना रहे, क्लास मार्क आप लिखते ही हो, क्लास इंटरवल पहले ना, तो क्लास लिख दे रहे हैं, चलो छोड़ो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट ही आपका होगा, फ्रीक्वेंसी जिसको आप डिनोट करोगे किससे, FI से, ठीक है FI हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर आप उसके बाद बनाओगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब आपको निकालना होगा मीडियन और मीन निकालना है, चूंकि मीन भी निकालना है तो छोड़िए पहले मीन के लिए काम कर लें। क्लास आपका क्या है, 5 to 14, फिर 15 से लेकर 24, फिर उसके बाद 25 से लेकर 34, फिर 35 से लेकर 44, फिर 45 से लेकर 54, फिर 55 से लेकर 64, ओके बस यही बैलेंस बंद। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें है 10, इसमें है 18, इसमें है 32, फिर उसके बाद 26, फिर 14 और फिर 10, FI हो गया। जब आप ये चीज निकालते हो तो आपको निकालना पड़ता है क्लास मार्क, ओके आपको क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है। क्लास मार्क में फिर क्या करें भैया, क्लास मार्क में आप यहाँ से जो है 0.5 माइनस करोगे, 0.5 प्लस करोगे, तब जाके इसको जो है बना पाओगे इसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, अभी तो ये डिस्क्रीट है, बट उससे क्लास मार्क की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, जितना इधर से माइनस हो रहा है उतना ही तो प्लस हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 0.4.5 हो जाएगा, 4.5 इधर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.5, अब देखिए चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो आप क्लास मार्क कैसे डिजाइन करेंगे, आप जो है यहां से 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे तो 4.5 और इधर कितना हो जाएगा 14.5, फिर ऐसे ही अगले वाले में 14.5 से लेकर 24.5, अगर इसका क्लास मार्क निकालना है तो लोअर क्लास की लिमिट और अपर क्लास की लिमिट दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, सम करेंगे 5 × 5 = 10, 14 = 18, 18 + 1 = 19, 19 upon 2। अब आपको क्लास मार्क निकालना है, चूंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्लास इंटरवल जो है डिस्क्रीट है, तो सीधे सीधे क्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती मीन निकालते टाइम, तो क्लास मार्क में कहीं समस्या नहीं आनी है, एक्स आई निकालना है
तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 14 + 5 = 19, 19 अपॉन 2 आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 19 अपॉन 2 कर दीजिए, 19 अपॉन 2 से क्या मिलेगा, 9.5, समझ, 9.5। फिर उसके बाद टेबल भरते चले जाइए, 9.5 गैप कितने का है, अगर इसको कंटिन्यूस बनाएंगे तो 10-10 का गैप दिख रहा है, तो 9.5 के बाद आ जाएगा 19.5, फिर उसके बाद यहाँ मिल जाएगा 29.5, फिर 39.5 और फिर 49.5, फिर 59.5 और आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। सिग्मा या फाई निकाल लीजिए, सबको सम कर दीजिए, कितना आ रहा है, 10 + 14 = 24, 24 + 26 = 50, 50 + 32 = 82, 82 + 18 = 100, 100 + 10 = 110, ठीक है, 110 ही निकल गया है। अब आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि या फाई या साई उसका सम कर सकते हैं, लेकिन लंबा पड़ेगा। कितनी ऑब्जर्वेशन है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स ऑब्जर्वेशन है। अगर इवन आता है तो 6 / 2 + 1 करेंगे, ऑड होगा तो n + 1/2 करेंगे, जो भी ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा जितने टेबल दी रहेगी। तो यहाँ से आएगा 4, तो 4th ऑब्जर्वेशन को आप मीन सपोज करोगे, ये हो जाएगा एज्यूम्ड मीन। हम चलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब आप निकालोगे डी आई, डी आई कितना होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन क्लास लेंथ, क्लास लेंथ एच। तो ए आपको मिल गया है ये 39.5, उसमें सबको माइनस कीजिए, 9.5 में से 39.5 जाएगा 30 अपॉन 10, मतलब माइनस 3, 19.5 में से 39.5 जाएगा माइनस 20 अपॉन 10 - 2, यहाँ करेंगे -10 - 10 अपॉन 10 - 1, ये 0 और ये 1, ये 2, ऐसे बनता चला जाता है। ये बन गया आपका डी आई, सिंपली कर दीजिए एफ आई डी आई, मल्टीप्लाई करते चले आइए, 10 × -3 - 30, 18 × -2 - 36, 32 × -1 - 32, फिर उसके बाद 26 × 0 = 0, फिर 14 × 1 = 14 और फिर 10 × 2 करोगे 20। सारे प्लस वाले सम कर लीजिए, सारे प्लस वाले सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, माइनस वाले सारे सम कर लीजिए, 6 + 2 = 8 और 3 × 3 = 9, 98, -98 + 34 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया 6, आप इसको जो है माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा सिग्मा या फाई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई, -64, ठीक। अब आप करते क्या हो, मीन निकालना है आपको, तो x बार इक्वल टू मीन, x बार इक्वल टू ए प्लस एज्यूम्ड मीन ना, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, क्लास लेंथ ए आपने माना है 39.5 प्लस एफ आई डी आई आया है -64 अपॉन एफ आई 110 इंटू एच की वैल्यू 10, इस 0 से ये 0 काट दीजिए। इधर देखिए 11 से 64 में डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा 39.5, जो भी आएगा माइनस में आएगा, 11 × 5 = 55, कितना बचा 9, पॉइंट लगाया 90, 11 × 8 = 88, 2 बचा, पॉइंट लगा ही है 20 हुआ, 11 × 1 = 11, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहीं से ही 50, 10, 10 में से 0 जाएगा नहीं, 10 में से 1 गया 9 और उसके बाद फिर 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा 4, 14 में से 8 गया आपका 6, पॉइंट ये जो है 8 बचा, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पे 33.69 अप्रॉक्स आपको यहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन, 33.68 ना, 33.69 आया है, लगभग वही बात होती है, आगे भी सॉल्व करेंगे तो 82 करके कुछ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम ना, आगे और बड़ी नंबर मिलने वाली है ही, तो हम जो है सफिशियंट डिजिट में कन्वर्ट करके यहाँ तक आते हैं तो 82 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यही एकमात्र ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन सी। अगर आपका ऑप्शन सी सही है तो यही सही मार दो, क्या जरूरत है आपको मीडियन तक जाने की ना, लेकिन फिर भी अगर आपको शौक लगी ही है और मीडियन निकालना ही है तो देखिए कैसे काम करते हैं। मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप निकालते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये टेबल यहीं से चेंज हो जाती है, ये दोनों हो जाते हैं डिलीट,
ना, और ये एज्यूम्ड मीन उन सब चक्कर खत्म। और आपको मीन निकालना है तो यहीं पे क्या लिखना पड़ेगा, सी एफ। ठीक है, फार्मूले सारे तैयार रखिए, ये हो जाएगा सी एफ। फिर आप यहाँ करोगे 10 में 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा 28 में 32 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 60 में 26 ऐड करोगे 86 में 14 100 में 10 110। n की वैल्यू आ गई 110, तो n by 2 क्या हो जाएगा 55, उसका आधा 55। देखिए कहाँ पे आएगा, इसमें इसमें इसमें, हाँ 28 60 वाले के बीच में आ जाएगा ना ये वाला, ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। ठीक है, 0.5 इधर से माइनस करेंगे इधर प्लस करेंगे तो इधर पे जो है यल की वैल्यू क्या मिल जाएगी 24.5। ठीक है, और मीडियन क्लास ये रहा, तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है फ्रीक्वेंसी लेते हो उस क्लास की, एफ की वैल्यू मिल जाएगी 32। फार्मूला याद करिए, फार्मूला कितना होता है मीडियन इक्वल टू, मीडियन के लिए आपको क्या बताया है मैंने, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ओके, देखिए एन बाई टू सी एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कमुलेटिंग क्लास, सॉरी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास सी एफ की वैल्यू 28 कीजिए। फिर 28 करने के बाद आपको मिला एच की वैल्यू, गैप है 10 का बस, और किसी की तो जरूरत है नहीं। एल की वैल्यू देखिए, एल की वैल्यू है 24.5 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू मीन्स 55 माइनस सी एफ, सी एफ मीन्स 28 अपॉन एफ, एफ उस क्लास की फ्रिक्वेंसी 32 इंटू एच मीन्स 10। चलिए 24.5 प्लस 55 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा आपको 55 माइनस 28 15 में से 8 गया 7 और ये 4 में से 2 गया 2, 27 अपॉन 32 इंटू 10 मतलब 270 अपॉन 32। 32 से 270 में डिवाइड कर दीजिए जल्दी से, 270 में 32 से ले जाइए, कितनी बार ले जाएंगे, पहले तो ले जाएंगे मान लीजिए 8 टाइम्स ले गए, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 24 प्लस 1 25 सब्ट्रैक्ट कीजिए 4, ये 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 32 कितनी बार ले जाए 4 बार ले जाए, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12 बचा 12, 0 बढ़ाया 3 बार ले गए 8.43 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो 24.5 प्लस 8.43 ऐड कीजिए 5 0 में तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 0 5 प्लस 4 9.48 12 और 2 प्लस 1 3 32.93 वही देखिए यही है ना अप्रॉक्स, तो ऑप्शन सी आपका हो जाता है करेक्ट। तो इसी तरीके के एमसीक्यू बनते हैं आपके, जितने सारे बनते हैं आशा करते हैं आपसे पूरा हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगे रहिए पढ़ते रहिए सब हो जाएगा, तो शानदार रहिए पढ़ते रहिए।